हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कैसे चुने। बाजार में हजारों म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है, सभी दावा करते हैं कि वो सबसे अलग है। यही कारण होता है कि निवेशक बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड का चयन कर लेते हैं, जो कि आगे चलकर समस्या बन जाता है। हम आपकी इस समस्या का हल यहाँ पर करेंगे। आप सिर्फ कुछ नियमों का पालन करें, अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के चयन के बारे में चार बातों का ध्यान रखना होता है, परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर वन परफॉर्मेंस के बारे में। आप सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकते हैं, भले ही दोनों फल है। ठीक इसी प्रकार दो म्यूचुअल फंड की तुलना करना आसान नहीं होता। आप इक्विटी फंड की तुलना डेब्ट फंड या इनकम फंड की ग्रोथ फंड से नहीं कर सकते, लिहाजा किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना करने से पहले उनके फॉर्मेट को ध्यान से देख ले। सिमिलर फॉर्मेट वाले फंड की तुलना की जा सकती है। अलग अलग कंपनियों के समान फॉर्मेट के म्यूचुअल फंड की तुलना करते वक्त बाजार में उनकी परफॉर्मेंस देखें। जो बाजार में अच्छा चल रहा है उसी को चुनें, लेकिन यह आँख मूंद कर फैसला ना करें। इसके रिस्क के फैक्टर को ध्यान से पढ़ें। नंबर टू रिस्क। लोगों के बीच यह धारणा है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश होता है जिसमें जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है। कोई भी म्यूचुअल फंड इस पद्धति पर काम नहीं करता। बेहतर होगा यदि आप कम रिस्क वाले ही म्यूचुअल फंड लें, ताकि धीरे धीरे अच्छी मात्रा में रिटर्न मिल सके। इसका आकलन करने के लिए समान श्रेणी के दो म्यूचुअल फंड की तुलना करें, वो भी उस समय में जब बाजार में तेजी से उछाल आ रहा हो या गिरावट आई है। उससे आप आसानी से दोनों में बेहतर चुन सकते हैं। दोनों के रिटर्न्स की तुलना करके आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। नंबर थ्री मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड बाजार जैसे शॉर्ट टर्म इनकम फंड, इंडेक्स फंड इत्यादि, इनमें कई ऐसे होते हैं जो मैनेजर पर निर्भर नहीं करते। सभी के परिणाम लगभग समान होते हैं। हाँ, इक्विटी फंड में फंड मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपकी ज़रा से भी चूक आपको घाटा पहुंचा सकती है। इस फंड में तभी पैसा लगाएं जब आप इसके अच्छे जानकार हो। रिस्क लेने से पैसा डूब सकता है। नंबर फोर कॉस्ट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि म्यूचुअल फंड कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी नहीं है। हर कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस सोचकर आगे बढ़ती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त आपको तमाम तरह के हिडन चार्ज होंगे। उनके बारे में पता लगाने के लिए फंड की टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला मूलधन ब्याज के साथ एक निश्चित समय अंतराल पर बढ़ता या घटता है। उस समय अंतराल और दरों को हमेशा अपनी डायरी में रखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे और लाभकारी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।